राजस्थान में कांग्रेस ने अभी तक नाम तय नहीं किए हैं, लेकिन बीजेपी में 41 सीटों पर अभी नाम तय हो चुके हैं और 41 सीटों पर बीजेपी फिलहाल उम्मीदवार उतार चुकी है, लेकिन कांग्रेस में अभी तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक तक नहीं हुई है। कांग्रेस में टिकटों को लेकर अब सक्रियता बढ़नी शुरू हो चुकी है। जयपुर कांग्रेस वार रूम में आज प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी। इसमें टिकटों का फैसला हाईकमान पर छोड़े जाने का एक लाइन का प्रस्ताव पास किया जाएगा। कल दिल्ली में गौरव गोगोई की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। आज की बैठक के बाद कांग्रेस में टिकटों के लिए सारी एक्सरसाइज दिल्ली शिफ्ट हो जाएगी। स्क्रीनिंग कमेटी की लगातार बैठकें चलेगी। इसके बाद अगले सप्ताह तक कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, जिसके बाद उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होगी। कांग्रेस में करीब आधी सीटों पर सिटिंग गेटिंग यानी कि टिकट रिपीट करना फार्मूले पर मौजूदा विधायकों और पिछले उम्मीदवारों को ही टिकट दिए जाने पर विचार किया जा रहा है।